वारिस पठान, वारिस पठान कम से कम दो मस्जिदें हैं, दो मस्जिद हैं जिसका दौरा भारत में भी प्रधानमंत्री ने किया है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे वो सैयद मस्जिद गए थे अहमदाबाद में, वो सैफी मस्जिद गए थे इंदौर में, लोग तो ये भी कहेंगे कि वो मस्जिदों पे जाना चाहते हैं, मुसलमानों से मिलना चाहते हैं, पर राजनीति आड़े आ जाती है जिस तरीके की राजनीति अब हम ही देख रहे हैं इस चर्चा में। ठीक है, राजनीति कर कौन रहा है? ये बीजेपी वाले हम देखिए, पद्मजी एक चीज बता दो, हमारे लिए तो चाहे एक तरफ ये बीजेपी हो चाहे ये दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के चैंपियंस हो, एक ही बराबर है। जैसा अभी आपने सही सुना कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ उसमें 48 सीटें थी, मगर ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म ने एक भी मुसलमान उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिनको टिकट देकर चुनाव लड़ा सकते, नहीं दिया, मगर मुसलमानों ने भर भर के इनको वोट दिया। दूसरी ओर में जब एमएलसी का भी चुनाव हुआ 18 सीटें थी, एक भी मुसलमान इनको मिला ही नहीं महाराष्ट्र में जिनको ये एमएलसी बना सके। तो ये तो खाली मुसलमानों का नाम निहाल नेता बन गया। अभी सुनिए, माइनॉरिटी बोलते हैं ये लोग, इनके मुंह से मुसलमान नाम वोट भी नहीं निकलता, इतना डर घबराहट ये समझ में नहीं आता। हाँ, बीजेपी तो खुला हुआ दुश्मन है, ये तो सार्वजनिक है। अरे मैं तो आपकी भाषा बोल रहा हूँ मेरे भाई, सुनिए जो हकीकत है, हकीकत है ना। 48 सीटें थी, आपने दिया मुसलमान को, नहीं दिया। 18 एमएलसी की सीट थी, एक भी आपने दिया, नहीं दिया। आप इस्तेमाल करते वोट किसका? माइनॉरिटी का किया। महाराष्ट्र में आपके सहयोगी है उद्धव ठाकरे, 9 के 9 एमपी जब वकफ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया, 9 के 9 एमपी गायब हो गए थे, सही है क्या? नहीं, तीनों सवाल का मेरा जवाब दे दो। चलो हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में बोल दो, सर मैं आपसे माफी मांग लूंगा। अच्छा प्रश्न किया है बारिस भाई आप तो मिथिलांचल से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हर कोने में चुनाव लड़ने चले जाते हैं, बेशक आप जहां हैं वहीं आप पूरा सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाते। जवाब तो दो यार, संविधान ने अधिकार दिया है मेरे को चुनाव लड़ने का, सबको पता है। संविधान खाली आपका है कि मेरा भी है? संविधान ने अधिकार दिया है आपको। अरे भाई सुन लीजिए, जवाब दो, तीनों चीज का, तीन क्वेश्चन का जवाब दो। 48, 18 और 9, 48 नहीं, 18 नहीं और 2, 48, 18, 9 पे जवाब दे दो। चलो अरे भाई सुन तो लो, सुन लो आप, सुन तो लो आप, आप वही भाषा क्यों बोलते हो जो भाजपा चाहती है? भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम देश में हो, आप भी वही करते हो। अरे भाजपा को छोड़ो ना, वो तो दुश्मन है खुले, आप लोग क्यों दोस्ती नहीं निभाते यार? मुस्लिम हम, हिंदू मुस्लिम, आपको साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को रहेंगे नहीं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश का एक इंसान है, इस देश का एक नागरिक है और देश के लिए अभिमान और सम्मान है। आपके लिए हिंदू हिंदू है भाजपा के लिए और बारिस भाई 48, 18, 9 ठीक है, 48 एमपी में नहीं दिया, 18 एमएलसी में नहीं दिया, 9 चले गए, 3 पे जवाब दो। राजनीति नहीं करते 48, 18, 9। एक तरीके से आप भाजपा का ही स्लोगन एको कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करना चाहते, आप सबको एक समान ही मानते हैं, सबका साथ एक तरीके से आप कांग्रेस भी कह रही है वो करना चाहते हैं। पर आखिरी का एक मिनट मैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह को देना चाहती हूँ। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्या आपको पिछले 10-11 सालों में जो हमारे रिश्ते रहे हैं खाड़ी के देशों से, मिडिल ईस्ट से, वो ज़्यादा मजबूत दिखते हैं? जो प्रधानमंत्री बार बार दौरे कर रहे हैं, यूएई के प्रेसिडेंट को हमने इंडिया में भी होस्ट किया, उनके साथ रोड शो किया मोदी जी ने इस साल की शुरुआत में, उसका क्या फर्क पड़ा है इन देशों के रिश्ते में हमारे साथ? एक तो सबसे बड़ा फर्क हमें ये पड़ा है कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से आज हम उठ बैठ सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा जो वैचारिक परिवर्तन आया है। दूसरा, जो ये मानते थे लोग कि शायद भारत में एक प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, वो शायद वेस्ट एशिया से रिलेशन हमारे बिगड़ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब, आप देखिए दुनिया में करीब 50 से ऊपर, मतलब 1/4 देश जो है वो इस्लामिक स्टेट्स या मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स, अगर सेंट्रल एशिया को भी मिला लेते, उनमें से अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई एक देश चला जाए, दो देश चला जाए और 4 अन्य देश जाए जो मुसलमान के हों, तो सिर्फ ये कहना कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ इस्लामिक कंट्री जाता है या वहां लेकर अवार्ड आता है, ये बिल्कुल सर्वथा गलत होगा। क्योंकि अगर हम इतिहास भी देखें तो कभी भी जब भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो हम ये नहीं कहते थे कि ये अमुक इस्लामिक स्टेट गए या यहूदी स्टेट गए या क्रिश्चियन स्टेट गए। तो हमें इसको पॉलिटिक्स से अलग एक भारतीय विदेश नीति की पहल की तरह देखना चाहिए। और वेस्ट एशिया में पिछले 10 साल में जितने हम मजबूत हुए हैं राष्ट्रीय तौर पर, उतनी मजबूती पहले नहीं थी। सिंबोलिज्म भी इसमें है, मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन उस सिंबोलिज्म के पीछे भारत जैसी एक उभरती शक्ति भी है जिसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत
ब्रुनेई दर सलाम जा रहा है उसमें बहुत एक एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रुनेई दर सलाम अगर आप देखें तो आसियान का सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडीपी वाला देश है, और उसी तरह सिंगापुर सबसे ज्यादा जीडीपी उस पूरे आसियान रीजन में। तो हम एक देश का प्रधानमंत्री एक देश जा रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया में जाए या पर्टिकुलर स्टेट्स में जाए, वहां से अवार्ड लेके आए, ये मायने नहीं रखता। हम भारतीय हैं, हम उस और वो प्रधानमंत्री हैं, हम उस प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री की तरह देखें, न कि एक जाति या एक धर्म के आधार से देखें। अगर क्या हम राजनीति को परे रख के किसी भी चीज को देख सकते हैं? अभी के माहौल में ऐसा शायद करना बेहद मुश्किल है, होना ऐसा ही चाहिए पर शायद अभी के माहौल में काफी मुश्किल हो गया है।